हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आप सभी ने प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया है, आई होप कर लिया है। अगेन नेक्स्ट करते हैं 2.3 एक्सरसाइज। इसमें क्या है, एक फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे फ्रैक्शन से। हमने 2.2 में ही कर लिया है। कैसे करते हैं दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, और सिंपल लैंग्वेज में ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले के नीचे वाले से। तो ये है बच्चों सिंपल। और इस तरह के कुछ सम जो हमारे 2.1 2.3 में आएंगे, हमने 2.2 पहले कर लिए हैं। देखे बिना किसी टाइम वेस्ट के, फाइंड 1/4 ऑफ 1/4 3/5 4/3, 1/4 पार्ट निकालना है इस इन तीन का। इसका मतलब एक पार्ट में तीन सब पार्ट होंगे बच्चों। हमने सेम टू सेम सम 2.2 में किए हैं, वैसे ही करने हैं। और इसका बी पार्ट यह है 1/2 अपॉन 2/9 6/5 एंड 3/10 करते हैं। देखिए 1/4 ऑफ, पहले ए पार्ट करते हैं 1/4 ऑफ 1/4, ये आ गया हमारे पास। इसको हम समझते ही है क्या ऑफ, बोर्ड मार्क्स बच्चों ऑफ आता है। ऑफ क्या होता है बच्चों, ऑफ होता है। और ऑफ को कैसे ट्रीट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन से करते हैं। तो ये लिख दिया हमने 1/4 इंटू 1/4 क्या आ गया बच्चों 1/16 सिंपल खत्म। 1/4 ऑफ 1/3 बी पार्ट में है। तो बच्चों कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दो, 3 आ गया, यहां 20 आ गया। फिर यहां पे 1/4 ऑफ 4/3। तो बच्चों यहां देखें, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बन जाता है 1 × 1 1 और 1 × 3 3। तो ये आंसर है बच्चों सिंपल, बहुत सिंपल सम। ऐसे यहां पे 1/7 ऑफ 2/9, पहले यही पार्ट बन जाता है, कुछ कैंसिल आउट नहीं है। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा 63 आएगा। फिर 1/7 ऑफ 6/5, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं है, ये आ जाएगा 1/7 ऑफ 3/10। ये सिंपल बच्चों कर लेना। नेक्स्ट सम बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। पहला काम मल्टीप्लाई करो, दूसरा काम अगर पॉसिबल हो तो उसको रिड्यूस करें। कैंसल आउट होता है कैंसल आउट करने, बस ये है बच्चों। देखिए फर्स्ट, इसके इतने सारे पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में एक इस फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई इसके साथ है, तो इसको जरा लिख लेते हैं 2/3। ये फ्रैक्शन कैसी है, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज होगी तो डिनोमिनेटर तो वैसे ही जाएगा 3 × 6 + 2 8। अब ये दो फ्रैक्शन आ गए, मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, कुछ कैंसल आउट होता है नहीं होता है। तो सिंपल मल्टीप्लाई करो 2 × 8 = 16 × 3 = 9 खत्म। तो बच्चों ये है सिंपल है दोनों, यहां कैंसल हो जाता है 7 × 7 = 2 × 1 2 1 × 9 9, ये आंसर सिंपल। यहां देखिए बच्चे कुछ कैंसल होता है, हाफ होता है 2 × 3 = 6 and 2 × 4 = 8। ये आ गया, क्या बच गया है हमारे पास 3/4 × 3/4 मल्टीप्लाई कर दें 3 × 3 = 9 4 × 4 = 16 आंसर सिंपल। यहां देखिए बच्चे कुछ कैंसल होता है, नहीं होता है 9 × 3 = 27 5 × 5 = 25 खत्म। यहां देखिए बच्चे कुछ कैंसल होता है, हाँ 3 × 1 = 3 5 × 1 क्या बचा हमारे पास 1 × 5 5 1 × 8 8 आंसर। यहां देखिए बच्चों कुछ कैंसल आउट होता है, नहीं होता है, मल्टीप्लाई कराओ 11 × 3 = 33 2 × 10 = 20 सिंपल है। यहां देखिए बच्चे कुछ कैंसल आउट होता है, नहीं होता है 12 × 4 48 5 × 7 = 35 ये है बच्चों सिंपल सिंपल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास। फॉर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो, जो फ्रैक्शन नीचे दे रखे तीन पार्ट निकालने हैं। फर्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू लोएस्ट फॉर्म, जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वही, मल्टीप्लाई करो रिड्यूस करो। सेकंड, टेल वेदर द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर, जो फाइनल आंसर आएगा वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। और थर्ड, अगर इम्प्रॉपर आता है तो उसको मिक्स में चेंज करें। सिंपल बच्चों सभी काम कर रखा है हमने। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/5, मिक्स को चेंज कर लेते हैं बच्चों 5 × 3 = 4 × 4 = 20 + 1 = 21 या है। कुछ कैंसल होता है, हाँ होता है 2 × 1 = 2 2 × 2 = 2
क्या बच क्या है बच्चों, 1 × 21 आ गया, 5 × 10। अब ये कैसी फ्रैक्शन है बच्चों, ये इम्प्रॉपर है। अब आपको पता होना चाहिए इम्प्रॉपर और प्रॉपर क्या होती है। अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर हो तो इम्प्रॉपर, अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर हो तो प्रॉपर। सिंपल, न्यूमरेटर ग्रेटर है इम्प्रॉपर, डिनोमिनेटर ग्रेटर है प्रॉपर। तो बच्चों ये कैसे आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। अगर ये इम्प्रॉपर है तो इसके बाद थर्ड के सकता है, obtained is improper then convert into a mixed fraction, mix में convert करो। कर दो बच्चों mix में convert, कैसे करेंगे, 10 से divide कर देते हैं इसे, 10 × 2 = 20, remainder is 1। तो क्या आ गया, जो यहाँ पे denominator था वो तो आएगा ही, जो quotient आ गया उसको बीच में लिख देते हैं, जो remainder है उसे यहाँ लिख देते हैं। ये बच्चों खत्म। फिर b बार इसका second बार रखी, ये mix है, mix को change कर देते हैं, 5 तो एस डी जाएगा, 5 × 6 = 30 + 2 = 32 × 7/9। ये आ गया। अब क्या कराएंगे, कुछ कैंसल होता है नहीं होता है तो मल्टीप्लाई करा दो, 7 × 2 = 14 कैरी 1, 7 × 3 = 21 और 1 = 22, 5 × 9 = 45। कैसी फ्रैक्शन है बच्चों, कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये भी। इसको उड़ा देते हैं यहां से। फ्रैक्शन कैसी है बच्चों, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड कर लो बच्चों फिर यहां पे, मान लो ये है हमारे पास यहां, इसको उड़ा देते हैं यहां से, फ्रैक्शन आ गई हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर ये तो एज इट इज आएगा, डिवाइड कराए इसे क्या आता है, 45 को डिवाइड करा दो इसे, 2 × 2 = 4। कितने पे चले जाता है बच्चों, ये 5 पे जाएगा बच्चों, 4 पे जाएगा, 4 × 5 = 20, 2 कैरी चले गया, 4 × 4 = 16 + 2 = 18। तो ये आ गया, कितना बचा बच्चों, 44 बच गया। अब 4 पे चला गया, 4 तो यहां आएगा और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर ये, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास, उड़ा देते हैं। अब सी पार्ट है बच्चों का थर्ड पार्ट, इसको लिखे पहले क्या है, 3/2 चेंज कर लेते हैं, 3 × 5 = 15 + 1 = 16, सब कुछ कैंसिल होता है, 3 बन जा 3 बन जा, 2 बन जा 2 = 8 जा, क्या बचा, 1 × 8 = 1 ये आ गया हमारे पास, 8/1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 नहीं लिख सकते बच्चों, ये आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, ये 5/6 एज इट इज है, 7 नीचे आएगा, 7 × 2 = 14 + 3 = 17 ये आ गया, कुछ कैंसल आउट नहीं होता है तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 7 = 42 × 17 = 85। तो न्यूमरेटर ग्रेटर है बच्चों, कैसी फ्रैक्शन हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, तो मिक्स में चेंज करेंगे। तो ये काम बच्चों मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपको क्या करना है, इसको मिक्स में चेंज करना है, ठीक। फिर ये आता है बच्चों हमारे पास, 5 × 15 = 17 × 4/7 मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 7 = 35, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 4 = 68। फ्रैक्शन कैसे बच्चों, इम्प्रॉपर, आपको पूरा लिखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे, मिक्स में चेंज करेंगे, कर दो बच्चों मिक्स में चेंज, तो 35 की टेबल 1 पे ही जाएगी, क्योंकि 35 × 70 होता है, तो क्या बचेगा, 33 बच जाएगा, क्या आ गया हमारे पास, 35 नीचे आ गया, 1 यहां आ गया और 33 यहां आ गया। ये है बच्चों सिंपल। अब ऐसे ही आपको बच्चों 6th और 7th पार्ट अपने आप करने हैं। ये क्या किया हमने, मिक्स में चेंज किया, ये क्या किया, ये भी मिक्स में चेंज किया, ये भी मिक्स में चेंज किया, ये आपके लिए छोड़ दिया हमने यहाँ पे आपके लिए, और ये 2 पार्ट भी आपको खुद करने हैं, सिंपल कर लेना।